हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि वो अपने बालों में ऐसा क्या लगाएं जिससे कि उनके बालों का झड़ना टूटना बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ के चलते आज मैं आपके लिए कैसा नुस्खा लाई हूँ। अगर आप इस नुस्खे को अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके सर की जड़ें भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, जिससे आपके बाल तेज़ी से घने होंगे और आपके बाल लंबे काले घने होने के साथ साथ चमकदार भी हो जाएंगे, सिल्की साइन स्मूद हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको बालों की जड़ों में एक ऐसा नुस्खा लगाने को बताऊंगी जिसको अगर आप अपने बालों की जड़ों में लगा लेंगे तो आपके बाल झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और आप इसका रिजल्ट एक बार अपने बालों में यूज़ करके ज़रूर देखिएगा कि कैसे कमाल का नुस्खा आपके बालों की जड़ों को मजबूती देगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। इस नुस्खे को बनाने के लिए आज यहाँ पे आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज आपको अपने बालों के झड़ने को रोकने के लिए आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना होगा, यानी कि आपको एलोवेरा जेल के प्लांट से एलोवेरा जेल लेना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये केमिकल फ्री होता है और बालों की जड़ों को मजबूती देगा। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका यूज जरूर कीजिएगा। एलोवेरा जेल के साथ साथ यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ लेनी होगी, वो है फ्रेंड्स जिंजर। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जिंजर का यूज़ करना है। जिंजर से भी आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और अपने बालों का झड़ना बंद कर सकते हैं। तो इसको आपको बनाना कैसे है, आपको फ्रेंड्स सबसे पहले जिंजर के छिलके को उतार कर मिक्सर में डाल लेना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एलोवेरा जेल को भी जेल निकाल कर मिक्सर में डाल लेना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इनका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एलोवेरा जेल लेना है और उसको दोनों साइडों से उसके कांटे को निकाल लेना होगा। उसके बाद आप इसके छिलकों को आसानी से उतार सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एलोवेरा जेल का छिलका उतारना है और जिंजर का भी इस तरह से आपको छिलका उतार लेना है। अब आपको करना क्या, आपको मिक्सर लेना है और उसमें पीसेस में काट कर इनका स्मूथ पेस्ट बनाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे मिक्सर में डाल लिया है। अब आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वो है फ्रेंड्स विटामिन ई कैप्सूल। आपको फ्रेंड्स इवॉन कंपनी का 400 mg का एक कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा। कैप्सूल को आप एक कोने से कट कीजिए और इसके जेल को इसमें निकाल दीजिए। अब फ्रेंड्स आपको इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना होगा। पेस्ट को बनाने के लिए आप फ्रेंड्स इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी इस तरह से एकदम स्मूथ पेस्ट आपको बनाकर तैयार करना होगा। अब आपको इसे एक क्लीन बाउल में निकाल लेना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके अंदर से पूरे रस को निकाल लीजिएगा। देखिए, हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे है और आप इसे कब तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना होगा। मात्र फ्रेंड्स आप इसे अपने बालों की जड़ों में ही लगाइए, क्योंकि हमने इसमें जिंजर यूज़ किया है। जिंजर फ्रेंड्स हमारे बालों की जड़ों को फ़ायदा करेगा और बालों का झड़ना टूटना बंद कर देगा। तो सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर बालों की जड़ों की मसाज कीजिए। आपको इसे वीक में 2 बार लगाना है और फ्रेंड्स जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपको अच्छे से मसाज करने 10 से 15 मिनट। उसके बाद फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर रखिए। उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वीक में 2 बार आप इसको यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको इसे अपने बालों की जड़ों में तेल की तरह लगाना होगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लगाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ी सी क्वांटिटी ही आपके बालों का झड़ना बंद कर देगी। इतना पेस्ट आप अपने बालों में 3 से 4 बार लगा सकते हैं और आप इसे अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वीक में 2 बार इसका यूज़ कीजिए और देखिए कैसे आपके बालों का झड़ना टूटना बंद कर देगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।